हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम जी सबको। सो गाइस, एनिमल मूवी का ट्रेलर आ चुका है जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार था, और इसमें स्टारिंग कर रहे हैं रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना एंड अनिल कपूर, बॉबी देओल और शक्ति कपूर। बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है यार ये वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहो, एंड अगर अभी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स गो। ओके पापा, लेट्स प्ले अ गेम। मैं पापा और आप बेटा। आपको याद है फिफ्थ स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में। यू न्यू व्हाट अ बिग फैन आई वाज ऑफ माइकल जैक्सन। मेरे सारे दोस्त जा रहे थे पर मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था। उसी दिन को रिप्ले करते, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके, शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है। ओके, एक्शन पापा। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। ओ भाई साहब, he adores you, तो उसके लिए सुपर हीरो। मैं 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। हफकत में है, पापा को छोटे बाल वाला हेयरस्टाइल पसंद है। नाइस हेयरकट, पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। I'll grow it again, पापा। तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। मर गया वो। टाइम बताएगा मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है। बहुत ज्यादा ट्विस्ट है यार। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। तेरे पापा के लिए प्यार चोक में रोग है। I really wish you died that day. हम मैं वापस आ गया दादाजी, कहीं नहीं जाऊंगा। जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। बदला पाया है। ये सब प्लान करने से पहले मुझसे पूछा होता, अब से 100 चीजें करूंगा पापा। हर बार आपकी परमिशन नहीं दे सकता। You're fighting ghosts in your head. Do you even realize that? मैं ghosts से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूं। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा। भाई क्या गन है, खतरनाक। सब कुछ ही मिटा दे। क्या इंटरव्यू है बॉबी देओल के। फर्स्ट दिसंबर। सो गाइज, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, पावरफुल डायलॉग्स हैं, एंड इसमें मतलब ज़्यादातर बाप बेटे का जो प्यार है कुछ ज़्यादा ही दिखाया गया है। मतलब यू नो, हर चीज़ में पापा पापा, जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा कि पापा के लिए ये कर देंगे, पापा के लिए वो कर देंगे। सो वो चीज़ ज़्यादा दिखाएगी। एंड एंडिंग में जब बॉबी देओल का मतलब बहुत ही शॉर्ट में ही दिखाया गया जितना भी उन्होंने एंट्री की, तो बहुत ही ख़तरनाक लगा। मतलब वो सीन बहुत ख़तरनाक लगा मुझे, बिल्कुल ब्लड वगैरह मुंह पे लगा हुआ था उनके। सो मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही लेवल का देखने को मिलेगा बॉबी देओल का रोल इस मूवी में। सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है।
सो आप सभी का क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, लव यू ऑल।